This movie is encoded by Dr. Star. ये हमारे लिए नहीं है, वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, चले जाओ। ओहो, अच्छा तो ये क्या चल रहा है? ये आपका है मिस्टर रॉस, ये मुझे मिला है, मुझे ये खूबसूरत डायमंड है सर। बंद करो अपनी जबान। खूबसूरत डायमंड, बकवास। देखिए सर, ऑल डायमंड्स। रुक जाओ सब, रुक जाओ, सब काम पर वापस आओ, चलो सारे वापस आओ, चलो खोदना शुरू करो। ऐसा लग रहा जैसे औरतों के साथ काम कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है सर, है या पूछ कोई व्हेल या शार्क एक्सपर्ट है? मैकॉर्मिक, एंट्री तैयार है। मेरे कहने पर 7 के फैक्टर से कम करो और 100 मेगाहर्ट्ज पर शुरुआत करो अभी। हाइड्रोफोन्स मरे हुए मछली की आवाज में मिक करेंगी। टेरी, कैप्टन स्मॉल्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अभी सीएस में आने को कहा है। टेरी, हे कॉरिन, ये देखो जरा, अगर मैं 5 मेगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो हम और भी कंसिस्टेंट साउंड वेलोसिटी बना सकते हैं। सच में? ओ हाँ, देखो, ठीक है, ये देखो, अब शार्क साउंड वेव्स फॉलो करेंगे, देखना, देखा? अगर आवाज बढ़ा दी जाए, तुमने देखा साउंड वेव्स कैसे शार्क्स को दूर भेजती हैं? बढ़िया है ना, शार्क्स इससे दूर भागती हैं। साउंड, ये सब कुछ बदल सकता है। ओके टेरी,
अब मैं निकल रही हूँ इससे पहले कि व्हाइट शार्क यहाँ आ जाए। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे हाइड्रोफोनिक्स फेयर्स पर कुछ काम करना है, पर ठीक है। काम तो शुरू ही है, मैं ये कर लूंगा, ये बढ़िया है। याद रखना, कैप्टन स्मॉल को तुमसे मिलना है। तुम प्लीज शांत हो जाओ। आई लव यू, जबकि तुम्हें बड़ी मछलियों में इंटरेस्ट है। बाद में मुझसे मिलना, कैप्टन से मिलने के बाद। यहाँ मुझसे मिलना ठीक 1 बजे। मुझे पता है ये क्या है। हम अभी सिर्फ ये करेंगे और इसे फिक्स करना। ठीक है। ओके। सर, टैंक्स के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। लेफ्टिनेंट मैकॉर्मिक, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे शार्क का रिसर्च तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, पर फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ क्या दिख रहा है। हीट डिस्प्लेसमेंट, ये चार्ट प्रोजेक्शन है। रियल टाइम 10 सेकंड में बढ़त। 10 सेकंड, ये नामुमकिन है। वो वेल्स है या नहीं? नहीं सर, वेल फ्लूक्स ऊपर और नीचे जाते हैं और शार्क साइड टू साइड जाते हैं। अगर आप हीट प्रोजेक्शंस देखेंगे तो साइज और गर्थ दिखेगी, वो एक यूनिट जैसे चल रहे हैं। ये बहुत विशाल है। लेफ्टिनेंट, पता है तुम शार्क में इंटरेस्टेड हो, पर वो तो वेल। कैप्टन, अगर मैंने अपना हाइड्रोसोनिक डिवाइस पानी में डाल दिया तो रेडियो की तरंग सोनार जैसे काम करेगी। नहीं, और नहीं, 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 और डिस्कशन नहीं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। लेफ्टिनेंट मैकॉर्मिक, सब खत्म हो गया, शार्क मर गई है। पर किसी ने देखा नहीं। एक्सक्यूज मी, अब हमें कोई बॉडी नहीं मिली और हमें किनारे पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई निश्चित तरीके से नहीं कह सकता कि मैग्लेडॉन को मार दिया है जायंट सेफलोपॉड। लेफ्टिनेंट मैकॉर्मिक, तुम मेरी डेक से निकल जाओ अभी। जी सर। ठीक है, तुम जाकर वो कर लो, ठीक है, बाद में मिलती हूँ। hey! तुम ठीक हो? क्या हुआ? उन्होंने फिर से तुम्हें कोई भाषण दिया? यहाँ से कुछ ही दूर गर्मी से डिस्टॉर्टेड एक विशाल फुटप्रिंट पाया गया। रुको रुको रुको, क्या? कोरिन जाइंट शार्क वापस आ गया है। कैसे? तुम्हें कैसे पता? क्या कैप्टन स्मॉल्स ने तुम्हें नहीं, कुछ पर कहा? उन्होंने मुझे डरा दिया है। मुझे पता है, ये कुछ भी नहीं। मुझे अपने हाइड्रोसोनिक स्पेयर्स को पानी में डालना होगा, फिर शायद उसे रोकने का कुछ। रुक जाओ, तुम सुन रहे हो? कोई साइरेंस, कोई ड्रिल्स, कुछ नहीं। शांत हो जाओ प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे 1 बजे आकर मिलो, सारा स्ट्रेस कम कर दो। बहुत बुरी हो तुम, बहुत बुरी। किसी को बताना मत मैंने ये उठाया है। ठीक है। Damn it! आखिर वो क्या चीज थी? Corin, don't. Corin, come on, baby, उठ जा। मुझे होना
चाहिए था, मुझे यहाँ होना चाहिए। इसे छोड़ो, चलो यहाँ से, जल्दी करो, संभालो अपने आप को, होना चाहिए था, छोड़ो उसे। कैसे हो माइकल? बहुत बढ़िया। तुम्हारे सुअर के लिए माफी मांगता हूँ। क्या हुआ? वो 3 दिनों में आ जाएगा। क्या कहा? 3 दिन? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरी बीवी को समझाना होगा। मैंने ये पहले किया है ना? नहीं नहीं, इस बार तुम्हें दिल से माफी मांगनी पड़ेगी, समझ गए? ठीक है ठीक है, मुझे विस्की देना। थैंक यू। चीयर्स। तुम्हारे उस सुअर ने तो मुझे मार ही डाला था। नाइजल पेनम, तुम ये जानती होगी कि ऑस्ट्रेलियाई पक्षी शंकु में होगा और ये बियर के लिए ठीक नहीं है। नहीं सर। तो क्या हुआ? शायद इस देश को ब्लड डायमंड या फिर कोयले की खान से नुकसान पहुंच रहा होगा। कोयला? कोयला। वालों ने पेड़ में खोदे हुए गड्ढों में से कुछ अजीब सा जीव निकलते हुए देखा जो काफी डरावना था। हाँ एक्चुअली। Not interested. हम तुम्हारे पेमेंट को दुगना या फिर 3 गुना करके देंगे अगर तुम उसे ढूंढ पाए तो। ढूंढना क्या है? मुझे नहीं पता, पर हमारे लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो जीव मर नहीं जाता। वो चीज क्या है? कोई शैतान?
उसने हमारे 34 आदमियों को मार डाला है। ओह, by the way, you better explain and apologize to Mrs. Formy, eh? Come on, Miss Australia. मुझे उस शैतान को देखना है। बताओ कि उस शैतान गोब्लिन जीव जैसी चीज को तुम कब से ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ भी? देखो, मैं जानती हूं कि तुम्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम गांव वालों को अच्छे पैसे देंगे। पता है मुझे क्या लगता है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, तो पहले हम उस जंगल के शैतान से निपटेंगे, ठीक है? वो रहा, देखो। क्या देखूं? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। वो पूरा इलाका। वहां पर कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। सॉरी मिस्टर फैनम, हमें जल्दी करना होगा। मुझे 2 घंटों में बागी लीडर से मिलना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अभी चेक लिखूं, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि मिथेन लीक है। हाँ, मैं लिख देती हूँ। माफ करना, यह अफवाह है कि तुम्हें इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं। मिस लिगेट, मैंने 1500 पाउंड के वाइट गोरिल्ले का बहुत ही करीब से सामना किया है, और यही नहीं, बच्चों को मार के खाने वाली खतरनाक छिपकली जिसकी 2 जीभ और 15 नुकीली पूंछ होती, उसको भी मैंने यहां मार गिराया है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरूं। आप मेरी बात समझ रही हैं? मैं किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं है, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम उसके पैर के निशान पे खड़ी हो। मिस लिगेट, क्या बहुत अच्छा, अब ये क्या मुसीबत है? हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? इतना बड़ा मगरमच्छ, इतना बड़ा मगरमच्छ। Shit.
तो क्या कहते हो नाइगेल, यहां जंगल में कैसा आना हुआ? सच में क्या इस बार कोई बोगी मैन है? देखो मैंने बहुत सारे मगरमच्छ देखे हैं। कम ऑन यार, तुम तो सिर्फ एक बेकार के गुंडे हो। सच में? और वो यहां आ रहा है। ठीक है, मैं बाहर जाकर चेक करता हूं। एलुइस, नाम सही चलो। ये क्या है? उसको इसकी कीमत 50% चुकानी होगी। 50% नहीं, मुझे 10 चाहिए। ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरा 10 चाहिए। व्हाटएवर, मेरा 10%। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। क्या पिछली बार के जैसा? देखो पिछली बार मेरी गलती नहीं थी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नाजेल, यह तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ था। क्या तुम्हें पता है मेरी बोट तुम्हारे लिए काफी अच्छे पैसों में आ जाएगी? मुझे मेरा 10% चाहिए। शांत रहो। मैं सोच रहा था कि मुझे 50% मिलेगा। 10%? मुंह बंद रख। ठीक है फिर, दूसरी बोट ढूंढ लेना। हाँ, तुम अभी भी एक मक्कार आदमी हो, पर एक बात जान लो, 50% के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। 10%। ठीक है, तुमसे मिलता हूं। मेरा 10% बताया? चुप रहो, हम एक घंटे में निकलने वाले हैं। यस। और तुम्हें 10% नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने वेवर में मेडिकल अटेंशन का फॉर्म नहीं भरा। 2200 सेलर्स के उस जहाज में तुम अकेले जीवित इंसान थे। मैंने सही कहा ना? क्या 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 तुमने कुछ रिकवर किया है? कोई सैटेलाइट ट्रांसमिशन यूएसएस गिब्सन से? मुझे वो डेटा चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए अभी, क्योंकि क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, देखो मुझे मुझे डेटा चाहिए। वो सोनिक इंपल्स जो मेगलाडॉन से आकर्षित हुई थी, हो सकता है कि वो कि मैंने जो फ्रीक्वेंसीज भेजी थी उस वजह से मेगलाडॉन ने रिएक्ट किया। इट इज पॉसिबल, क्योंकि बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे कुछ कहा? ये मेरा इन्वेस्टिगेशन है। ये लो, इसे बाहर जाकर पढ़ो। लेफ्टिनेंट मैकॉर्निक, मैं एनओए की स्पेशल एजेंट हिचिनसन हूं। बात नहीं करनी? ठीक है, मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे। मैं मिलिट्री कमांडर्स की स्पेशल ग्रुप की प्रतिनिधि हूं। लेफ्टिनेंट मैकॉर्निक, मैं शाक को मारने के लिए आई हूं। ये मेरी गलती थी। तुम मेरे लिए कोई काम के नहीं हो। अगर तुम्हारी ये हालत है, आराम करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं मेगलाडॉन बनाने में आपकी मदद करूंगा। मैं बीकन बनाकर उस शैतान को मारने में आपकी मदद करूंगा। मेरे लिए ही करना बहुत जरूरी है मैम, प्लीज। ठीक है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, अभी काम शुरू करो। रेडी? हाँ।
यार क्या तुमने कभी क्या इतना बड़ा अंडा या हाँ बिल्कुल नहीं और मैं इसे नहीं देखना चाहता उससे निकलने वाला मगरमच्छ का बच्चा सही कहा तुमने क्यों यार तुम श्योर हो कि निगल क्या कर रहा है उम्मीद करता हूँ वो ठीक होगा और वैसे भी ये चीज उठने वाली नहीं है तुम्हारा मतलब वो चीज ऊपर अभी भी जिंदा है हाँ वो बेहोश है मुझे कोई और जॉब ढूंढनी होगी सही है कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें 10% दे दूंगा मजाक कर रहा था तुम्हें यकीन है कि वो होश में नहीं आएंगी नहीं आएगी सुनकर अच्छा लगा तुम्हारे पास अंडे हैं हाँ लोअर डेक में हैं, कंट्रोल और जिनी वो भी बस वही कर रही थी क्या अंडे को प्रोटेक्ट पर किससे इतना बड़ा ऑमलेट कौन खाएगा सब लोग सुनो सब लोग अपनी अपनी जैकेट पहन लो नाइजल तुम ठीक हो वो ठीक ही होगा जिस तरह से ये बोट चल रहा है जाके तुम उसका ध्यान रखो मुझे नहीं लगता कि वो अकेला है ये वही है देखो नीचे तुम करने क्या वाले हो फिर को शायद वो यही है या शायद वो चला गया हाँ वो चला गया नहीं वो मगरमच्छ है और वो उठ रहा है रस्सी को काटो चलो रस्सी को छोड़ो अगर उसे काटोगे तो वो दो जीवन हमारा पीछा करेंगे नहीं वो एक दूसरे का पीछा करेंगे नहीं मैंने कहा ना वो अपने अंडों की रक्षा कर रही है बस किससे रस्सी को काटो नहीं छोड़ दो उन्हें ये क्या कर लिया बटास्की एडमिरल ऑन डेक सर मेरा टारगेट ढूंढ लिया अभी तक नहीं सर बटास्की एक गहरा ब्लैक ड्रैगन है दुनिया का सबसे महंगा शिकार मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस जीव को मार दूंगा तभी मैं इसे स्मोक करूंगा मुझे यह शिकार अभी स्मोक करना है समझे तो आप लोग क्या कहते हैं कि मैं अपना यह ब्लैक ड्रैगन स्मोक करूं यस सर एडमिरल ये लेफ्टिनेंट टेरी मैकॉर्मिक है हमारे शार्क एक्सपर्ट क्या नहीं मतलब हाँ हाँ अच्छा तो तुम कौन हो मैं एक एक्वाकुस्टिकल इंजीनियर हूँ मैंने शार्क्स में स्पेशलाइजेशन की है देखिए मैंने कुछ बहुत जरूरी खोज की है और मैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है लेफ्टिनेंट मैंने वो फाइल्स पढ़ी मुझे पता है तुम कौन हो तुम्हें ऑडियो लेवल के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मुझे भी इसमें दिलचस्पी है यस सर मेरी फील्ड में स्वागत है यहां पर सारे रिक्रूट स्पेशल एजेंट और यहां तक कि मुझे भी शिकार में बहुत इंटरेस्ट है ढूंढ कर मारना कार्कसस मेगालोडॉन यह इनविटेशन सिर्फ स्पेशल लोगों को ही मिलता है इस शिप पर तुम्हारा सिर्फ यही मकसद है समझ गए सब यस सर तो तुम मेरे शिप पर क्यों हो मेगालोडॉन को ढूंढकर उसे खत्म करने के लिए सर बहुत खूब डॉक्टर मैकोनिक को उनका नया क्वार्टर दिखाना मुझे वो शार को खत्म करने वाली चीज देखनी है उनकी नई लैब उससे हमें फायदा होगा ओके
स्पेशल एजेंट हचिनसन, मुझे तुम्हें वहां फिर से भेजना होगा। कार्गो शिप पर फिर से हमला हुआ है। यस सर। नीनोस, नीनोस, नहीं उसे हाथ मत लगाओ, वो बहुत गंदा है, उससे दूर हटो। हे बच्चे यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? जैक। बुढ़े बच्चे जाओ। मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ चला गया? लुईस कहाँ गया? तुम्हें पता है वो कहाँ है, उसे कूदना चाहिए था। मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए तो वो नहीं कूदा। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा हो गया। विस्की, और हाँ प्लीज स्ट्रॉन्ग बनाना। डैन डिनेरो। हाँ डिनेरो। डिनेरो, ओ डिनेरो, डिनेरो डिनेरो डिनेरो, बड़ा डिनेरो। इसे तुम ही रखो। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। डिनेरो डिनेरो बहुत बड़ा है। सुनो, मेरे लिए विस्की लाना। मुझे लगता है ये विस्की मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। खैर कोई नहीं। पिछली बार जब एक खूबसूरत लड़की ने मेरे साथ फ्लर्ट किया तो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ज्यादा उछलो मत, तुम्हारे जैसे बूढ़े मर्द मेरी पसंद नहीं है मिस्टर फैनम। उसका नाम क्या है? स्पेशल एजेंट हचिनसन, सीक्रेट सर्विस। ओह, काफी अच्छा नाम है। तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ स्पेशल एजेंट? इंटेल, तुम्हारे जैसे सर्वाइवर की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी और मुझे वो सुननी है। तुम उसे कभी नहीं मार सकती, US मिलिट्री की पूरी फोर्स के साथ भी नहीं। क्या तुमने कभी उस जीव को देखा है? वो चीज जिंदा बचने के लिए बनाई गई है और करीबन हजारों सालों से जिंदा है। इन मगरमच्छों का दिमाग इंसानों जैसा। मगरमच्छ? उनके बारे में किसने कहा? तुम्हारे शिप को तो शार्क ने अटैक किया था। मुझे शार्क और मगरमच्छ में फर्क पता है। ये शार्क सिर्फ इस समुद्र तक सीमित है, लेकिन वो मगरमच्छ जमीन और पानी दोनों पे। शार्क की चमड़ी सॉफ्ट होती है पर उनकी बहुत ही हार्ड, जिसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। वो मगरमच्छ पानी में मिला? नहीं, मैंने उसे जमीन पे पकड़ा। अब तक की सबसे बड़ी ट्रॉफी। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहाँ जा रही हो? अगर तुम घर पे रिलैक्स करने जा रही हो तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो यहीं रुकूंगा। विस्की के लिए शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही, अपनी इच्छा या अनिच्छा से जाओ, तुम्हारी मर्जी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में वो नसाओ की तरफ है। यह बिल्कुल संभव नहीं। एक घंटे पहले ये साउथ ईस्ट के फॉर्मलैंड में थी। ज़ूम करो। ये तो हमारे सोच से भी ज्यादा तेज है। ये कोई मामूली शार्क नहीं है। तो ये है क्या?
अब हम एक नया खेल खेलने वाले हैं। मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कैप्टन तक पहुंचा दे। जी सर, पहुंचा देता हूं सर। डॉक्टर मैक्रो, अब लेट मैक्रो मेकर, मेरे ख्याल से आप जो देख रहे हैं उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि साइंस के मुखौटे के पीछे एक ऐसा शेर छुपा है जिसकी मंगेतर तो अफ्रीका के जंगलों में काम करने वालों से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और बहुत ज्यादा होशियार भी। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर? अब क्या हुआ तुम्हें? पर ये इतना शांत क्यों है? क्या हुआ, तुम्हारी पार्टनर तुम्हें छोड़ के कहीं और चली गई है क्या? प्लीज तुम चुप हो जाओ, एडमिरल पर ठीक से ध्यान दो। ग्रेट क्लॉक मैन, मेरा नाम है निगल पुटनम। सर, यहाँ पर अच्छा बंदोबस्त है क्या? बटास्की सर, मगरमच्छ के एक्सपर्ट को उसके अंडे दिखाओ। यस सर, 1834 घंटों पर हमें ये एल्थुरा कोस से कुछ तस्वीरें मिली। ये मगरमच्छ का अंडा है? ये वही अंडे है सर। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ शार्क्स भी अंडे देते हैं, हमें पता नहीं है ये अभी कहाँ से आया है। ये मगरमच्छ के अंडे हो सकते हैं और इसे, ये मगरमच्छ के अंडे ही है, इसका आकार तो देखो, मैंने इसे पहले देखा है। एडमिरल, ये आदमी जो कह रहा है ये वो नहीं है, ये एक शार्लटन है, एक धोखेबाज है। ये जंगल में आदिवासियों को कहता है कि वहाँ पर भूत है और उनसे थोड़े पैसे लेकर उन्हें भगाने का नाटक करता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ हम इसके बिना बेहतर काम कर पाएंगे। मेरे पीछे के पॉकेट में है। ठीक से ढूंढो और कहो कि मैं पसंद हूँ तुम्हें, या फिर इसे खोल दो, मैं खुद ही निकाल दूंगा। सर, ये मगरमच्छ का कवच है, मेरे पास बड़ा पीस था सर, और ये उसी पीस का एक हिस्सा है। इसे एक नंबर लैब में ले जाओ, टेस्ट करो। रुकिए, हम एक साथ मेगलेडॉन और प्राचीन मगरमच्छ को नहीं ढूंढ सकते। हमें और एनालिसिस और फील्ड वर्क की बहुत जरूरत है। उस औरत से वो अंडा लेकर के आओ। मुझे बहुत खुशी होगी सर। एडमिरल, हमारे पास एको टेक्नोलॉजी है, हमें जाकर अंडे लाने की जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ रहकर उसे यहाँ ला सकते हैं। सही कह रहा है। तुम लोग यहाँ शिप पे सुरक्षित रहो और आशा करो कि तुम्हारा ये सैटेलाइट और सेंसर ठीक से काम करता रहे, क्योंकि अगर उस शैतान के करीब जाना है और उसे जानना है या फिर उसे मारना है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मुझे अंडे लाने दो। अचिंतन, उसके साथ जाओ, तुम भी लेफ्टिनेंट। मैं नहीं सर, मुझे अभी टेस्ट करने हैं। मैं उसके बिना नहीं, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना है। तुम्हें जाकर देखना है कि वो शार्क के अंडे हैं या मगरमच्छ के। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। यस सर। मुझे समझ नहीं आ रहा हम दोनों को अंडे लाना क्यों जरूरी है। वो शार्क आसपास हो सकती है और मेरा डिवाइस उसे लड़ने के लिए रेडी नहीं है। वाह, बहुत खूब। क्या? हाँ, तुम
सही कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, इसीलिए तुमने उसे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तुम क्या बोल रहे हो, मैं कॉप्स में था, मैंने बीमारियां, बागी और सूखे जैसे। तुम्हारा काम चार्ट्स, ग्राफ्स, नंबर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। क्या तुमने कभी किसी इंसान की मदद की? नहीं की। मैं कुछ लोगों से मिला था, ठीक है, और वो मेरा जॉब नहीं था, मेरा काम था पीस स्क्वाड के लिए एग्रीकल्चरल मॉडल्स डेवलप करना। हां हां हां, क्या तुमने कभी असली अफ्रीका को देखा है? मेरे अंदर तुमसे ज्यादा भाईचारा। सच में? सच में। अगर तुम्हारा मतलब है मैंने चोरी, गांव वालों को खुलेआम कत्ल करना और बेइज्जती होते हुए देखा नहीं, तो नहीं, मैंने अफ्रीका नहीं देखा दोस्त। चुप करो यार। तुमने तो बड़े मसे किए हैं ना। सच कहा तुमने? हाँ। देखो तुम, ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है और तुम दोनों मिलकर इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। हम वहाँ अंदर जाएंगे, अंडा लेंगे और वापस आएंगे, काम खत्म, समझ गए? ठीक है, तुम समुंदर किनारे देखना शुरू करो, क्योंकि मगरमच्छ अंडे वहीं देते हैं, उन्हें वही जगह पसंद है, ठीक है? अंडा फूटने में कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता, नॉर्मल मगरमच्छों को 5 महीने लगते हैं शायद से, मुझे नहीं पता। तो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, जब अंडों से छोटे बच्चे बाहर निकल गए। छोटे बच्चे 25 से 30 फुट लंबे होते हैं, जो इंसानों को खाते हैं। वाह वाह वाह, उसे देखो क्या कर रहा है वो। हा? उसे लोगों के बीच रहना पसंद है, हमेशा नंबर वन बनना, जिसकी वो कोशिश कर रहा है। उसे काला पानी शार्क ढूंढने के लिए भेजना चाहिए और अंडे हमें ढूंढने चाहिए। क्या कहती हो तुम? वहां एंट्रेंस है। कोऑर्डिनेट्स को फिर से चेक करो, हमें शायद मगरमच्छ के बारे में कुछ पता चले, पर मुझे पता है वो पानी के पास अंडे देते हैं। ओ सच में, उसने अफ्रीका की धारा में अंडे डाले थे और वो अब पानी के अंदर चले गए होंगे। अब ये तभी मुमकिन है जब, समझ रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम बकवास कर रहे हो। नहीं, एक हादसा ना हो, उसने शायद जानबूझकर अंडों को पानी में डाला। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? ओ वाओ, सच में ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। हीट सेंसिंग। बहुत अच्छा, सच में। क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे अंडे दिख रहे हैं, बहुत सारे अंडे, वो सब उस किनारे की तरफ बिखरे हुए हैं। वो कैसे? मगरमच्छ करते ही यही है। हे, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? पक्षी की आवाज? नहीं, जानता हूं पक्षी की आवाज नहीं है, शायद वो अभी अंडों से बाहर निकल रहे होंगे। उनकी आवाज पक्षी जैसी है? ओ हाँ। हे सुनो, क्या ये पूंछ है?
क्या कर रही हो तुम? एडमिरल को वो कोऑर्डिनेट्स लाकर देना ताकि हम काम कर पाए। हमारे पास निकलने के लिए 10 मिनट हैं। नहीं, तुम जो कर रही हो बंद करो, ये मेरे अंडे हैं। तुम्हारे अंडे? एक्सक्यूज मी, मेरे अंडे, मेरा शिकार और ये मेरा काम है। तुम सारे लोग गलत रास्ते पे हो। नहीं फटनम, तुम गलत रास्ते पर हो। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। ये मगरमच्छ तुम्हारी ट्रॉफी नहीं है। हमारे एजेंट हचिंसन हमें अलर्ट कॉल दे रहे हैं सर। ये देखो, उन्होंने अंडों को लोकेट करके लोकेशन भेजा है सर। सर, उन्होंने मिसाइल अटैक करने को कहा है। भाड़ में जाओ, तुम जाओ उन अंडों के पीछे, लेकिन तुम उन्हें खत्म नहीं कर पाओगी। मादा मगरमच्छ कहाँ है? एक भी अंडे को हाथ लगाया तो वो तुम लोग को छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी, खत्म कर देगी। गाइस गाइस, वो देखो शार्क। ओ नहीं, ऊपर 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 ऊपर। हमें 2 मिनट में यहाँ से निकलना होगा। शायद किसी के आने से पहले वो हमें यहीं खत्म कर देंगे। एवरी वन टारगेट 140 की तरफ बढ़ते हुए, आदेश मिलते ही फायर करना। निशाना लगा नहीं, वो चूक गए। वो शार्क के अंडों के लिए दाएं गए थे और मगरमच्छ ठीक उनके पीछे आ गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे मगरमच्छ में मम्मी जैसी भावनाएं हैं दोस्त। वो मरी नहीं है, वो अभी तक नहीं मरी। एक मिनट ये मुझे दो, ये US मिलिट्री की प्रॉपर्टी है। दरअसल वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो क्या वो आपको नहीं चाहिए मैडम? उसमें से किसी को हिट नहीं कर पाए। हमें अंडे मिल ही गए। हाँ, लेकिन सारे नहीं, वो इस पूरे इलाके में पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे होंगे। दूसरी टीम लगाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम किनारे की तरफ बढ़ते हुए 1500 फुट लंबे मगरमच्छ पे ध्यान दो। हाँ, और एक भूखा मेगलोडॉन ठीक उसके पीछे। तुम्हें पूरे ईस्टर्न सीबोर्ड को अलर्ट करना चाहिए। हम बाहरी कैमरा की फोटोज भेज रहे हैं। हमने ऊपर से नीचे तक अटलांटिक कोस्ट लाइन को तुरंत अलर्ट कर दिया है। नेशनल गार्ड संभाल लेंगे। उधर देखो, हाँ वो मायामी की तरफ बढ़ रहा है। रुको रुको, शार्क कहाँ है? उसे अटलांटिक में देखा गया है। एक शिप वहां पर हमले के लिए मौजूद है। कमांड, टॉरपीडो तैयार है। इशारा मिलते ही हमारे पास एक ही टॉरपीडो होल में है। वेल, इससे चूकना नहीं। एंड फायर। टॉरपीडो दूर है, आपने सीधे हिट किया। तुम शायद ये देखना चाहोगी। कौन सी चीज? सब लोग ध्यान दो, हमें अभी तक कुछ नहीं दिखा। वो मगरमच्छ कहाँ है? वो मायमी में घुस रहे हैं सर। क्या वो निशाने पर है? नहीं सर, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। हमले की संभावना केवल 2% है। कोई भी रास्ता ढूंढो, उस पर अटैक करो। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सर। हमें उसे वापस घर भेजने की कोशिश करनी होगी। सोचो टेरी, सोचो। तुम्हें क्या लगता है इस 1500 फुट लंबे मगरमच्छ को वापस समुद्र में कैसे भेजा जाए? ये तो कमाल का है, ऐसा जैसा पहले कभी नहीं देखा। जरा इसका साइज तो देखो।
आर्क फ्लैश। क्या 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 मतलब? एक आर्क फ्लैश 1000 एम्पियर या उससे ज्यादा, जिससे इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी जिससे समुद्र में वापस चला जाएगा या कम से कम शांत हो जाएगा। इसके लिए बड़ी फ्लैश लाइट की जरूरत होगी। अरे हाँ, टर्की पॉइंट न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ से बस 25 मील दूर है। देखो अगर हम वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ दर्जनों कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो हमें एक हाई एम्पियर सोर्स मिल जाएगा। तुम्हें बस कंडक्टिव चीजों को उससे जोड़ देना है और हमें मिलेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्क फ्लैश। न्यूक्लियर रिएक्टर से आर्क फ्लैश बनेंगे। हाँ, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है। होमस्टेड और मीरा मर के कमांडर से बात करो, हमें टर्की पॉइंट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिलना है अभी। जी सर। टर्की पॉइंट, ये यूएसएस लेक्सिंगटन है, हमें एआरसी फ्लैश का इस्तेमाल करना है, वो भी अभी। सर मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे। ये ऑर्डर सीधे नवल ऑपरेशंस के चीफ से मिला है, जल्दी करो। ये सर मैं करता हूँ। सर लेक्सिंगटन ने हमसे कॉन्टैक्ट किया है, हमें तुरंत आर्क फ्लैश का इस्तेमाल करना है। क्या है दिखाओ। ये ऑर्डर सीधे नेवल ऑपरेशन के चीफ से मिला है, करो। यस सर। लेफ्टिनेंट ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, हमें तुरंत फ्लैश का इस्तेमाल करना है। क्या? मैं समझता हूँ लेकिन करना है। ऑक्सलरी 2 नोट करो, मेरा इशारा मिलते ही उसे चमकना चाहिए। ओके। लेक्सिंगटन टर्की पॉइंट से बोल रहा हूँ। मैं हूँ लेफ्टिनेंट बुटोवस्की यूएसएस लेक्सिंगटन से, हमें ऑरलैंडो पर एआरसी फ्लैश हिट करना है अभी के अभी। हम अपना बेहतर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ओलैंडो। हाँ। टर्की पॉइंट कंडक्टर्स तैयार है सर, हम उसे एम करने वाले हैं। 5 सेकंड में फायर करना। 3, 2, 1। दोबारा उससे कहो दोबारा हिट करे। ठीक है सर। वो पीछे घूम रही है। क्या मैग्लेडॉन की कुछ खबर मिली? बटास्की, लाल से मगरमच्छ और हरे से शार्क पता चलता है। वो अटलांटिक में रह रही है। गहरा पानी, बहुत गहरा पानी। शार्क्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास तैरती दिखाई देती है, इससे उन्हें रास्ता पता चलता है। मुझे मत देखो। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि वो मगरमच्छ कहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें अंडे मिल जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे आदमियों को मिले तो उसे तोड़कर शायद हम उसे वापस भेज सकें। वो पहले से जा चुके हैं, 2 जीत के करीब हैं, 2 ब्लैक हॉक से उलझे हुए हैं, उन्हें 30 मिनट्स में आ जाना चाहिए। वेल, शायद आपकी किस्मत साथ नहीं देने वाली है सर।
ये क्या, क्या वो अंडे से निकल रहा है? कैप्टन! Come on, Jerry. ये अच्छा नहीं है। क्या तुम पूछोगे भी नहीं? अगर तुम अंडों के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं, उन्हें मेगलेडॉन ने निगल लिया है। तुम क्या जानते हो? वो बस एक चारा है, मेरे हाइड्रोफोनिक स्फीयर्स की तरह। ये शार्क्स को पास बुलाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमारे शिप पर अंडे नहीं है, वरना हम भी निशाना बन जाते। तुम्हारा मतलब कि जहां अंडे होंगे वहां शार्क भी? मेरा मतलब है कि दोनों मिल जाएंगे। हमें मिली है एक माँ जैसी शार्क और बेहद आक्रामक शिकारी। अच्छी कोशिश थी। तो फिर हम उसे कहां ललचाने वाले हैं? हमारे पास न पिंजरा है और न ही टैंक। मानता हूं पिंजरा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है। द पैनामा कैनाल, एडमिरल ऑन डेक। ये आइडिया बेकार है, ठीक है? ये पागलपन है, ये खतरनाक है और आबादी के बहुत ही नजदीक है। तुम समझ नहीं रहे कि वहां कुछ भी हो सकता है। जो होना था वो हो चुका है। ये काम कर सकता है, उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना ही होगा। क्या रिस्क है? सर, पनामा के 3 लॉक्स हैं। हम एक लॉक में अंडा रखकर उसे लालच देंगे और बस वो हमारे जाल में फंस जाएगी। फिर एक जबरदस्त हमला, उनके टुकड़े हो जाएंगे। एडमिरल, 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 पनामा कैनाल के आसपास सैकड़ों लोग रहते हैं। मेरा मतलब ये पागलपन है, हम सिटीजन को खतरे में डाल रहे हैं और हमारे पास तो अंडे भी नहीं है। तो मैं तुमसे अपने हाइड्रोसोनिक बॉल्स लाने को कहूंगा। एडमिरल, आप कहां जा रहे हैं? वेल, किसी को तो बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि हम जल क्षेत्र में धमाका करने वाले हैं। फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। हम इन्हें नहीं छोड़ने वाले। उम्मीद करता हूं तुम सही होगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है टेरी। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी बॉल काम करेगी या नहीं। देखो, मैं अभी तक अपनी हाइड्रोसोनिक गन से शार्क्स को दूर कर रहा था, पर अब एडमिरल चाहते हैं कि मैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करूं, तो इसके लिए मेरे पास ना कोई कैलकुलेशन है और ना ही कोई मॉडल है या कुछ भी नहीं। हमें शायद कुछ ज्यादा मिल सकता है, बहुत ज्यादा संख्या में अंडे। तुम एडमिरल की यूनिट को निकलने को कहो और मुझे यहां आके मिलो, इस कोऑर्डिनेट्स पर। लेकिन अब ये कहां पर है? वहां जहां मेरा शिप गया था, शायद वहां पे ज्यादा अंडे होने चाहिए। और ये जानकारी तुमने रखी है क्यों? ताकि तुम बाद में उन्हें हासिल कर सको। मैं उनके बारे में जानता हूं। ये कुछ तो करीब है। और ऊपर से तुरंत कैरिबियन सी में। देखूंगा कि इस इलाके में क्या क्या है, शायद किस्मत से नजदीक में हमें कुछ मिल जाए। सर, ऊपर से नए ऑर्डर्स आए हैं। सर, क्या तुमने अपनी जबान खुद ही चबा ली ऑफिसर? नहीं सर, ऐसा लगता है कि कोई मछली है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें मेरे अंडे मिल गए? नहीं, वो तुम्हारे अंडों के लिए गोताखोर भेज रहे हैं। अच्छा है, हम उन्हें वापस घुमा सकते हैं। अंडे उन्हें लुभाने के लिए काफी होंगे और वैसे भी मेरे पास अपना स्फेयर बदलने के लिए टाइम नहीं है। फिर से भेज रहे हैं। 100 मीटर्स, 110, 120। धीरे और आराम से लेफ्टिनेंट, हम इसे पिंग पोंग बॉल की तरह उछालना नहीं चाहते। सर, 125,
130। सर हम समुद्र की तह तक पहुंच रहे हैं। इंजन को आधा पीछे लो। सर कोई फायदा नहीं होगा। बैक होल रडार। नहीं नहीं सर, झटके के लिए काफी नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? 5 में से 3 होल डैमेज है सर। पानी तेजी से अंदर आ रहा है। 5 में से 3 होल्स के पास जगह देखो। जी सर, लेकिन पानी तेजी से अंदर आ रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। ऐसे ही बने रहो और 010। सर मैं फिर से कहता हूँ कि कॉपी दैट। 135 140। इंजन्स बैक। 1/4। 145। शिकार से दूरी 5 मीटर सर। 4। इंजन्स को बंद कर दो। 3 2 1। टारगेट तक पहुंच गए। भेज दो, एर्गोनॉट बोल रहा हूँ। टारगेट तक पहुंच गए, ऑर्डर्स का वेट है। चलो देखते हैं हमें क्या मिला है। ठहरो, हम उतरने वाले हैं। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये गलत है। वो जानवर पानी में नीचे चले जाएंगे और बॉम्ब से बच जाएंगे। हम उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। शार्क अगर ना हिले तो वो डूब जाती है। अगर हम उन्हें टैंक्स में डाल दें तो बॉम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। तो दुआ करो कि उन्हें मेरे अंडे मिल जाए। ये अंडे हैं क्या? ये 10 फीट ऊंचे हैं? बिल्कुल पक्की बात है सर। ठीक है, तो इन शैतानों को ऊपर खींचो और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो, समझे? जी सर। जाओ, एयरगोनॉट बोल रहा हूँ, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ओवर एंड आउट। वो तुरंत ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं। देखो वो आ गया। ये मगरमच्छ का अंडा है? हमें ये पानी में चाहिए। उन्हें नीचे करने दो। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, हमारे पास अंडा है, वो अब आएगा। ये हमें पता नहीं है, समझ गए? मुझे 1 मिनट दो, फिर ये पानी में होगा और सब ठीक हो जाएगा। एक बार अंडा नीचे आ गया तो वो आ जाएगा, ऐसा लगता है ना? हाँ हाँ, मम्मी वाली फीलिंग, खुद की रक्षा, समझ गया। एक बार वो आ गए तो हम बाहर, उनके फंसते ही इस जगह को बॉम्ब से उड़ा देंगे, समझ गए? सर, मगरमच्छ 2 मीटर की दूरी पर हैं और शार्क उससे भी ज्यादा नजदीक। सभी लोगों को बोलो कि वो निकल जाएं और शिप पर अलर्ट जारी कर दो। ठीक है सर, मैं सबसे जाकर बोल देता हूँ और सबको सावधान भी कर देता हूँ। इसे पैक करो मैकॉर्मिक, ये उड़ने का समय है। मैंने कहा बाय, डैमिट! हमें निकलना है। मैग्लोडोन यहाँ से 2 मील पर है, चलो चले। डिग्री पर कांटेक्ट करो। 309 पर कांटेक्ट हो गया है सर। हथियार तैयार रखो। हथियार भी तैयार है सर। इशारा मिलते ही फायर करो। हमारे बॉम्ब्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो कैनाल में गिरा और सारा पानी निकल गया तो ये लोग उन्हें और गुस्सा दिला रहे हैं और कुछ नहीं। टैंगो ब्रावो 1140 पर उड़ रहा है। ओह माय गॉड, यूएसएस कार्मन गिर गया। मुझे लगता है कि शार्क पहले लॉक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मगरमच्छ कहाँ है? लॉक के बाहर करीब आधा मील पर।
वो पहले लॉक में है। हाँ, वो मगरमच्छ के अंडे की तरफ जा रही है। सर, मेगलोडॉन पहले लॉक में आ गई है सर। हरा सिग्नल मिल रहा है, हथियार तैयार करो सब एक साथ। लगता है जैसे उन्होंने तुम्हारी नहर खाली कर दी। क्या मुसीबत है। मरे क्यों नहीं? दरअसल उनकी चमड़ी नाखूनों की तरह बहुत ज्यादा सख्त होती है। उन्हें मारने के लिए तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। हाँ, लेकिन लोग मगरमच्छ को मारते हैं। हाँ, ज्यादातर इनकी आंखें या फिर सर के पीछे का हिस्सा नाजुक होता है, पर सभी मगरमच्छ में नहीं। वो पनामा से बाहर आ गए, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम उन्हें नहीं रोक सकते। तुम्हें उनके ऊपर रहना होगा, उन्हें जाने मत दो। क्या ये अंडों के लिए झगड़ रहे हैं? हचिसन, एडमिरल को लाइन पे लो अभी। मुझे समझने दो, तुम कह रहे हो ये पर्पल डॉट्स वही जगह है जहां शार्क और मगरमच्छ को एक साथ देखा गया था, क्या वो यही समय है? बिल्कुल, ये वो समय है जब शार्क अंडों के लिए यहाँ आई। इसका मतलब सारी जगहों पर उन्होंने अंडे दिए हैं। ये असंभव है, यहाँ पे बहुत से अंडे हैं जो फटने वाले हैं। मेरा मतलब है कि उसमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे, बहुत जल्द उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये बात जाहिर है कि उसके अंदर ऐसा एक एवोल्यूशनरी नेचुरल सिस्टम है जिससे वो तेजी से अंडे दे सकती है, खासकर तब जब उसके बच्चे खतरे में हो। इसका मतलब उसने हजारों अंडे दिए होंगे। हो सकता है मेगलोडॉन ने अभी तक सारे नहीं तो कम से कम ज्यादातर अंडे हड़प लिए होंगे। अगर नहीं खाए तो? तो फिर देखो आगे क्या होता है। मुझे अंडे मिले हैं सर, किनारे पर, यहाँ। ये टोटल कितने होंगे? सैकड़ों, बल्कि शायद हजारों। कुछ हिला सर। ओह माय गॉड, लगता है हैच हो रहा है। हचिनसन, जवाब दो, हचिनसन। सर, खबर मिली है कि छोटे मगरमच्छ सेंटा मोनिका पर बहुत बुरी तरह से हमला कर रहे हैं। सर, यूएसएस कार्टर पूछ रहे हैं कि क्या करना है। क्या कहा? एक न्यूक्लियर सबमरीन है। उन्होंने नॉर्थ पैसिफिक में उनको दूर तक फॉलो किया, अब वो भूकंप वाले इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो दोनों वहाँ पहुँच गए तो उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। शार्क हवाई की तरफ बढ़ रही है। क्या तुम भी? मुझे लगता है मेगलोडॉन को और भी अंडे मिल गए हैं। चाहे वो टायर चले या वाटर स्की पे हो, हम उसे मारकर पानी में बाहर फेंक देंगे। सर, हमें सोनार कांटेक्ट मिला है,
247 डिग्रीज पर। 247 डिग्रीज आई। टारगेट लॉक करो। एंगेजिंग टारगेट आई। हमें उन्हें रोकना होगा। क्या? वो न्यूक्लियर वेपन्स चला रहे हैं, अगर वो चूक गए तो? अगर वो चूके तो वो ज्वालामुखी से टकरा जाएंगे। इसका मतलब पूरा हवाई बर्बाद हो जाएगा। मुझे टारगेट की पूरी रिपोर्ट चाहिए। टारगेट असेसमेंट रिपोर्ट आई। टारगेट चला गया है सर। आखिर कहाँ है वो? उन्हें कहो कि इंजन्स बंद कर दें। क्या? शार्क्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तरफ खींचती है, तभी वो इधर आई। अगर वो इंजन बंद करके शांत रहेंगे तो हो सकता है हम लोग कुछ देर के लिए बच जाएं। देखो यहाँ बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटी है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रही है, इससे शायद उन्हें बस कहो कि इंजन बंद कर। ठीक है। कॉपी दैट। इंजन रूम, इंजन को बंद करो। सभी इंजन पूरी ताकत से आगे बढ़ो। सारे इंजन पूरी गति से आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, हमारे सारे कांटेक्ट टूट गए हैं सर। मैं अभी भी कोशिश में लगा हूं लेकिन सर कुछ हो नहीं रहा है। कोशिश करते रहो, देखो हम कैसे पढ़ सकते हैं उन्हें। लेकिन ये क्या है, पनडुब्बी या शार्क? मुझे लगता है दोनों ही। मुझे लगता है शार्क न्यूक्लियर हो गई है। ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री देखो। प्रोजेक्शंस 21.1 डिग्री उत्तर से, 1578 डिग्री पश्चिम से, पैसिफिक में ओहाउ के दक्षिण से होकर। हमें उसे किनारे से दूर रखना होगा। वो शार्क एक न्यूक्लियर पनडुब्बी निकल चुकी है। हमें उसे समुद्र के बीच में रखना होगा और उसे खत्म करना होगा। और बिना अंडों के हम ये कैसे करेंगे? और तुम्हें ये कैसे पता? हो सकता है हवाई में कुछ और हो, नहीं तो मुझे अपने इक्विपमेंट से आवाज निकालनी होगी, जो कि मुश्किल है। ओ, तुम्हारे इक्विपमेंट जैसे पिछली बार बहुत काम आए। अपनी बकवास बंद करो धोखेबाज आदमी, तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? सब छोड़ो, हम आपकी सलाह मानेंगे। चलो 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 चलो, कम ऑन। हवाई से उन पैदा हुए मगरमच्छों की रिपोर्ट मिली है। मुझे लग रहा है कि अंडे यहां पहले ही हैच हो गए हैं। वाह, जरा देखो उसे। कोई चीज है जो उन्हें यहां ला रही है और वो सब जगह से आ रहे हैं। ठीक है, यूएसएस लेसिंगटन और रीलोकेशन की कोशिश। नेगेटिव, हमें अभी तक अंडे नहीं मिले, सिर्फ खाली शेल्स मिले हैं। स्क्वाड्रन कोडने को कहो। यस सर। वो क्या कर रहा है? अंडे नहीं है। कम ऑन, हमें हेलीकॉप्टर से निकलना होगा। हेलीकॉप्टर से निकलना होगा, जल्दी रुक जाओ। वो जिंदा है अभी। हाँ, मुझे वो ठीक है, वो उसे हेलीकॉप्टर से निकलना होगा। उसे यहीं छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो उसे यहीं। उनको पकड़ो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे हम, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। हम उसे लेकर जाऊंगा, समझ गए? हम उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं अपनी मंगेतर को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगा। मेरी बात सुनो।
वो कोई तुम्हारी मंगेतर नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी। मैंने कहा ना चलो। मैं उसे छोड़कर नहीं। मेरी बात सुनो। मैं उसे नहीं छोड़ता। सुनो, चलो यहाँ से। मुझे दुख है तुम्हारी मंगेतर का। वो यहाँ से नहीं जा सकती। हमें उस राक्षस को मारना है और हम दोनों ये कर सकते हैं। तुम मेरे साथ हो ना? तुम मेरे साथ हो या नहीं? चलो चलो जल्दी करो। उसका रोना उसके बच्चों की मदद के लिए है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे बच्चों के रोने पे माँ आ जाती है और ये भी अपनी माँ के रोने पे रिएक्ट कर रहे हैं। शार्क को बचाना होगा। उसके अंदर न्यूक्लियर पनडुब्बी है। अब वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तुम क्या कर रहे हो? हम वोल्केनो को उड़ाने जा रहे हैं। अच्छा, मगर कैसे? इसकी मदद से मैं सही फ्रीक्वेंसी ढूंढकर उसे लालच दूंगा और ठीक उसी समय वोल्केनो में धमाका करके उसे मार डालूंगा। हम उन दोनों को एक साथ एक जगह पर लेकर आएंगे और उसके बाद उनका गेम ओवर। अच्छा, लेकिन तुम अभी इसे काम के लायक नहीं बना पाए। तो फिर अचानक तुम्हें कौन सी दिव्य शक्ति मिल गई? तुम्हें पता है तुम मेरे बारे में झूठ बोलकर अफ्रीकन को भूत और शैतान के बारे में बताते थे, लेकिन अब खुद को देखो, ये तुम्हारा एक वहम है। लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। उन दोनों के मरने से पहले मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मैं ऐसा ही सर, हचिंसन भी नहीं रहा। कोई बचा क्या? जंग में शहीद हो गए। चलो उन क्रिएचर्स पर ध्यान दो। यस सर। कुछ हुआ? नहीं। कमाल है, अपना काम बन रहा है। वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारा वो धमाका कहाँ है टेरी? जर्मी, अभी नहीं। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं। अरे यार, ए, 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 बेवकूफ।
बेवकूफ हो तुम। वो आवाज की तरफ जा रही हैं। नहीं, वो अपनी मां की तरफ जा रहे हैं। हाँ, किसी भी तरफ हो, हमें निकलना है। अब तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक रिमोट। मुझे पता है, पर किसका है ये? तुम्हारा धमाका। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा शार्कमैन। मुझे भी क्रॉकमैन। ओह डैम, वो देखो। सर, वो प्राणी झुलस गए। सर, अब आप ये टूटा हुआ सिगार आराम से पी सकते हैं। बहुत अच्छे, यस। आज बहुत अच्छा दिन है। हाँ, कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम मेरे लिए रुकोगी। मुझे विस्की पिलानी होगी। अब क्या हाल है टेरी? अच्छा, काफी अच्छा, बढ़िया लग रहा है। वो मेरे हैं। नाइजल, तुम पहले आदमी हो जिसने इसे हंसाया है। बल हाथी कभी उड़ सकते हैं क्या? तो ठीक है दोस्तों, हम घर जा रहे हैं। बहुत थक गया हूं। This movie is encoded by Dr. Star.
Going. It's good, man. It's good. So what's next for you? You're looking at it. What about you? Well, I just got a call from Japan. Giant lizard. Fancy it? One condition. No boats. Deal. Deal.